प्रदेश भर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अब घर बैठे ही लाइव सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एक कॉल पर डाक विभाग की विशेष टीम घर पहुंचकर जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवा रही है। पिछले 10 दिनों में ही 400 से अधिक रिटायरियों के जीवन प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी अब 28 फरवरी 2021 तक अपने जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नवंबर माह से एक नई डिजिटल सुविधा मुहैया करवा रहा है। कोरोना महामारी के दौर में सेवानिवृत्त बुजुर्ग पेंशनरों का दर्द समझते हुए डाक विभाग घर घर जाकर लोगों के जीवन प्रमाण पत्र बना रहा है। पेंशनरों की एक कॉल पर डाक विभाग की विशेष टीम घर पहुंचकर ये सुविधा मुहैया करवा रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारी महज 70 रुपए देकर ही अपना जीवन प्रमाण पत्र बना अपडेट करवा सकते हैं। योजना की सुविधा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 दिनों में ही 400 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवन प्रमाण पत्र 31 दिसंबर तक अपडेट करवाने की मुहैया करवाई गई थी, जिसे अब 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। हमीरपुर व बिलासपुर जिला के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 377 डाकघरों में ये सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, ताकि पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए जगह जगह न घूमना पड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों व बीमार पेंशनरों को झेलनी पड़ती थी। उन्हें टैक्सी के जरिए कोषागार या लोक मित्र केंद्रों तक पहुँचाना पड़ता था, उसके बाद जाकर उनके जीवन प्रमाण पत्र बन पाते थे। ऐसे में पेंशनरों व उनके परिवार को जरूर राहत मिली है। सेवानिवृत्त कर्मचारी जीवन प्रमाण पत्र बनाने व अपडेट करवाने के लिए मंडलीय कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972222235 पर भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं प्रबर अधीक्षक डाक विभाग हमीरपुर आर के चौधरी ने कहा कि डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन प्रमाण पत्र घर द्वार बना रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एक कॉल पर डाक विभाग की विशेष टीम घर पहुंच रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारी डाक विभाग की योजना का 28 फरवरी तक लाभ उठा सकते हैं। हमारे विभाग को आईपीपी बैंक के द्वारा 1/11 से जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का कार्य मिला है, और इसके तहत हमने कर्मचारी को ट्रेनिंग दी, मीटिंग ली, तो लगभग 10 तारीख से ये काम स्टार्ट हुआ, तो आज तक पूरे मंडल में लगभग 600 के लगभग जीवन प्रमाण पत्र बन चुके हैं, जिसमें हमीरपुर के सबसे ज़्यादा हमीरपुर मंडल हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 500 के लगभग डिजिटल सर्टिफिकेट बन चुके हैं। इसमें रीज़न रहा है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ जीवन प्रमाण पत्र 31 अक्टूबर से पहले ही बन चुके हैं, पर तो हमारे ईपीएफ के कर्मचारी और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाइज ये अभी तक लोग बना रहे हैं। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अभी इसको एक्सटेंड कर दिया, पहले 31/12 लास्ट डेट थी, अब ये 28/2/2021 तक डेट एक्सटेंड हो चुकी है, और हमारे कर्मचारी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और सबसे इसमें प्लस पॉइंट है कि हम घर द्वार जा कर के इस सर्टिफिकेट को बना करके दे रहे हैं, ताकि लोगों को बस में ना आना जाना पड़े, लोक मित्र में नहीं जाना पड़े, क्योंकि पहले लोक मित्र में लोगों को दूर जाना पड़ता था, नंबर दो उनको अपडेट के लिए भी जाना पड़ता था। यहाँ डाक विभाग के द्वारा यदि सर्टिफिकेट बनाया जाता है तो अपडेट करने की उनको कहीं भी धकेला खाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, एकदम जैसे वहाँ सबमिट करेंगे उनका डीडी ऑफिस में अपडेट हो जाएगा। एक बहुत बड़ी सुविधा है, लोग बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि घर में जाकर के हम उसके यदि कोई बीमार है तो उसके बेड पे भी इसका सर्टिफिकेट को बना करके अपडेट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, और मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि आप अपने नज़दीकी शाखा डाकघर, उप डाकघर, मुख्य डाकघर, हर डाकिये से संपर्क करें। हमारा मैक्सिमम डाकिये जो है एंड यूजर इसमें कार्य करने में सक्षम है, और हमारे ब्रांच पोस्ट मास्टर ज़्यादा सक्षम है जो कि इंटीरियर में हमारी डाकघर स्थित हैं, और उप डाकघर मुख्य डाकघर में इसमें कोई दिक्कत नहीं, वहाँ सभी कर्मचारी हमारे ट्रेंड हैं। परंतु हमने अभी इंस्पेक्टर ASP उनकी मीटिंग मिली है लास्ट वीक, और उससे काफ़ी ड्राइव चल रहा है, लोग हमारे मेल ओवरसियर और डाकिये गांव-गांव जाकर के दौरा कर रहे हैं ताकि डाक भी बन रहे और इस सर्टिफिकेट को भी बनाया जाए।